जिलों से समाचार में अब रुख करते हैं। मंडी जिले का आईआईटी मंडी में G20 की बैठक जारी है और आज वक्ताओं ने स्वास्थ्य के बहुमुखी आयामों के नवीनतम विचारों व प्रभावी दृष्टिकोण के बारे में अपने विचार रखे। इस दौरान कई राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय वक्ताओं ने हॉलिस्टिक हेल्थ की थीम के साथ स्वास्थ्य को बेहतर बनाने पर चर्चा की। आईआईटी मंडी के बोर्ड ऑफ गवर्नर के निदेशक प्रोफेसर प्रेम वरात ने बताया कि आज की बैठक स्वास्थ्य पर आधारित थी और इस तरह की बैठक से भविष्य में स्वास्थ्य को बेहतर बनाने की रूपरेखा मिलेगी। आज का जो सेमिनार है होलिस्टिक हेल्थ में जो आईआईटी मंडी ऑर्गेनाइज कर रही है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है क्योंकि स्वास्थ्य को समग्रता से देखने की आवश्यकता है, जिसमें आचार विचार, आहार व्यवहार और बॉडी माइंड एंड सोल का इंटीग्रेशन बहुत आवश्यक है। और इसलिए चूंकि एक शरीर, मानव शरीर एक समग्र सिस्टम है, इसको इंटीग्रेटेड सिस्टम के माध्यम से इसको ठीक किया जा सकता है, इसमें प्रिवेंटिव फोकस हो। और मैं मानता हूँ कि जो इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ मेडिसिन हमारे देश का है, ये बहुत ही व्यवहारिक व्यवस्था है बॉडी माइंड एंड सोल की को सुधारने के लिए। और ये बहुत ही अनुकूल, बहुत ही अच्छा विषय है जिसमें ये आज की सेमिनार आईटी मंडी में, और मैं समझता हूँ कि इससे आगे की भविष्य की रूपरेखा मिलेंगी। कि आज हम इधर एकत्रित हुए हैं होलिस्टिक हेल्थ थीम पर चर्चा करने के लिए। G20 S20 इवेंट आईटी मंडी में हो रहा है। आज की तारीख में जो हेल्थ होता है, ये सिर्फ रक्त, मांस और बोन, इसको देखते हुए हम इसको ट्रीटमेंट नहीं कर सकते हैं। हम समाज की जो पूरे जो होलिस्टिक हेल्थ है, उसको हम एक नए सोपान पर ले चले, ताकि हमारी भारतवर्ष की जो लोग हैं, छात्र हैं, छात्रा हैं, प्रोफेशनल हैं, गृहस्थ हैं, गृहिणी हैं, सब सुखी जीवन बिताएं।